हरिओम, स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग लघु सिद्धांत कौमुदी का क्रमबद्ध अध्ययन कर रहे हैं और उस अध्ययन के क्रम में डह सी धुट इस सूत्र तक का अध्ययन कर लिया अभी तक। हल संधि में चल रहे हैं, कुछ ही सूत्र हल संधि के और बाकी हैं, संभवतः भगवान ने चाहा तो इस सप्ताह पूरा हो जाए। और तो इसमें डह सी धुट के आगे आज सूत्र हम पढ़ेंगे नश्च शितुक, और फिर उसके बाद आगे कुछ हैं गमो ह्रस्वाद ची गमो नित्यम है शायद, हाँ ठीक है, इन सभी नियमों को पढ़ेंगे। तो नश्च सबसे पहले आते हैं, देखिए डह सी धुट सूत्र के नंबर को और नश्च सूत्र के नंबर को, दोनों नंबर को ध्यान से देखिएगा, दिख रहा है कुछ 8329 और 8330, यानी खाली एक ही सूत्र का अंतर है क्रम में, सीरियल में है ना। तो जो डहसी धुट सूत्र करता है वही काम नश्च भी करता है, पर उसमें क्या था, इसमें है डह इसमें है नह, ठीक। तो जो काम वह डकारा डह के पर में स होने पर करता था, देखिए ये डह सी धुट फिर नश्च, दोनों सूत्र सीरियल से ही है, यहां भी देख लीजिए 8329 8330 स्पष्ट है ना। तो ड के बाद स आता हो तो ड को क्या होता था, ड के बाद स आता हो तो स को धुट आगम होता था, वैसे ही अब नश्च न के बाद स आता हो तो स को धुट आगम हो जाता है, बस इतना अर्थ। जो ड सी धुट में ड कहने का मतलब था उतने नश्च न च मतलब न अंत में हो शब्द के तो भी वही कार्य होगा जो कार्य पिछले सूत्र से हो रहा था, ठीक। तो आपको देखा था, आपने देखा था कि पहले ड आना चाहिए उसके बाद आना चाहिए स, तो धुट आगम होता है विकल्प से, ठीक, धुट आगम होता है विकल्प से। वही बात ये कहेंगे पहले होना चाहिए न उसके बाद होना चाहिए स, तो धुट आगम होगा विकल्प से, ठीक है। अर्थ एक जैसा है ना, अंतर तो नहीं समझ में आ रहा है कुछ, पर ये दोनों काम दोनों सूत्र विकल्प से होंगे। जैसे देख लीजिए ये डात परस्य कहा था, यह नांतात परस्य कहा, यहां अंत में ड होना चाहिए था यहां अंत में न होना चाहिए, ठीक। न जिसके अंत में हो ऐसे शब्द के बाद में आने वाले सस्य धुड्वा सी धुट, सस्य धुड्वा यहां भी था सस्य धुड्वा यहां भी, धुड्वा मतलब ये धुड्वा नहीं है धुट वा धुट वा, ठीक है धुड्वा। तो न के बाद आने वाले स को धुट आगम होता है विकल्प से, जैसे अस धातु जो है ना, मूलतः अस धातु है, उससे जब क्षत्रि प्रत्यय लगता है, कौन सा प्रत्यय, क्षत्रि, तो बन जाता है सन, क्या बन जाता है, आप सोचेंगे इतना खतरनाक बनता, क्षत्रि में से बचता है अत, ठीक, और अस में से बचता है खाली स, स अत सत शब्द बन जाता है, उसी का प्रथमा एक वचन में सन बनता है, ठीक। सत का क्या बन जाता है, सन, जैसे भवत का बन जाता है भवान, होता ना वहां उपधा को दीर्घ हो जाता है, यहां नहीं हो पाता कुछ कारण। तो अब सन बन गया, सन है यह प्रथमा एक वचन का रूप है, इसके बाद दूसरा शब्द है सह, ठीक, सन सह। अब देखिए पद का अंतिम वर्ण न दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है, सबको न ही दिखाई पड़ रहा है ना, पद का अंतिम वर्ण होना चाहिए ये रहा न, ड नहीं है, ड होता तो ड सी धुट लग जाता है ना, षड संतः भवान संडे उदाहरण दिया था ना, शन वो तो दूसरा वाला था ना, वो उसका था ऊपर में जो दुष्टत्व का निषेध करने वाला था, हाँ। तो ये देखिएगा ये हो गया सन सह, इस स्थिति में नश्च लगेगा कि नहीं लगेगा, पद का अंतिम वर्ण होना चाहिए ना, नांतात परस्य देख लीजिए नांत है कि नहीं,
इसके पर में आ रहा है स आ रहा है तो इस स को हो जाएगा धुट। अब स को धुट होगा यानी स के स्थान पर धुट नहीं होगा, धुट आगम है। ठीक, तीन प्रकार के जो होते हैं वह आगम और बाकी सब प्रत्यय होते हैं, ठीक है, या आदेश होते हैं। तो डित, कित और गित जो होते हैं वो आगम होते हैं, ठीक है। तो ट की जिसमें इत संज्ञा हुई है वह आगम है, और आप एक सूत्र पहले पढ़ चुके हैं, कौन सा, आद्यंतौ टकितौ, पढ़ा है आद्यंतौ टकितौ, क्या बोला था कि ट की इत संज्ञा हुई हो तो वह आदि में होगा, क की इत संज्ञा हुई हो तो वह अंत में होगा, पढ़ा है ना। तो इसमें धुट जो आगम हो रहा है यह ट की इत संज्ञा वाला है, यह स को हो रहा है यानी स के आदि में होगा, ठीक। तो स के आदि में धुट जुड़ जाएगा, जुड़ गया आद्यंत उटकितो नियम के आधार पर, धुट आगम हुआ तो जुड़ गया सन धुट सह, सन धुट सह। धुट में से ट की हलंत्यम जी को पढ़ा है ना आपने, तो हलंत्यम जी क्या कहेंगे कि अगर किसी भी धातु में, सूत्र में, गण में, उणादि में, वाच्य लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय, आदेश, कहीं भी अंतिम वर्ण हल दिखाई पड़ता हो तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है। और तस्य लोपः जी कहेंगे कि इस धुट में जो ट है जो इसकी इत संज्ञा हुई है उसका कर दो लोप, तो धुट में से बचेगा क्या, धू बचेगा, फिर ऊ की भी उपदेशे जनुनासिक इत संज्ञा से इत संज्ञा, इत से इत संज्ञा होगी, तस्य लोपः से लोप हो जाएगा, बचेगा ध, सन ध स, सन ध स हो गया। यहां तक पहुंचे, धुट आगम हुआ। अब एक नियम आपने बहुत बार पढ़ा है, तिवारी जी को याद दिलाने वाला नियम पढ़ा है ना, पढ़ा है, ये कहता है पहले हो झल हो, ठीक, उसके बाद हो खर। तो अब देख लीजिए यहां है कि नहीं, ये रहा झल, छ भ घ ढ ध, झल में आ गया कि नहीं, उसके तुरंत बाद ये रहा खर, ख फ छ ठ थ च ट त क प श स स, आ रहा है कि नहीं खर। तो पहले है झल उसके बाद है खर, तो खरी च से इस झल के स्थान पर हो जाता है चर, चर हो जाता है ना, चर हो जाता है, यानी चर में क्या क्या आते हैं, च ट त क प श श स, इतने आते हैं ना चर में, है ना, यही तो चर है, चट त कप श स। अब इसमें ध के स्थान पर इनमें से कोई होना है, कौन सा करेंगे, तो आप कहेंगे कि देख लीजिए जो चर होगा ध के वर्ग का, ध के वर्ग का उच्चारण और आभ्यंतर प्रयत्न की दृष्टि से सवर्ण देखा जाए तो ध का भी उच्चारण स्थान दंत, ध का भी उच्चारण स्थान दंत, च का तालु, ट का मूर्धा, क का कंठ, प का ओष्ठ, श का तालु, श का मूर्धा, इस स का भी दंत है, ठीक, इसका भी दंत, इसका भी दंत, इसका भी दंत, तीनों में से कुछ आएगा, इन दोनों में से कोई एक आ सकता है। तो आभ्यंतर प्रयत्न की दृष्टि से देखना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जब एक के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर निर्णय करने में दोनों आ रहे हैं तो अब आ जाते हैं आभ्यंतर प्रयत्न पर। तो आभ्यंतर प्रयत्न इसका है स्पृष्ट, है कि नहीं, वर्ग वाले का, और इसका भी है स्पृष्ट, इसका नहीं है, इसका ईषद विवृत है, है कि नहीं, तो आभ्यंतर प्रयत्न की दृष्टि से अलग हो गया। यद्यपि बाह्य प्रयत्न की दृष्टि से है ये मिल जाएगा, ध है महाप्राण, ये भी है महाप्राण, बाह्य प्रयत्न की दृष्टि से मिल सकता है, पर दिक्कत क्या होगी कि ध है विवार, ध क्या है संवारनाद घोष, यह है विवार श्वास अघोष, थोड़ा सा बाह्य प्रयत्न में एक मिलावट है, एक अंतर है,
तो केवल उतना थोड़ा मिलने को नहीं कहेंगे, ये ज्यादा मिल रहा है ना। उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों की दृष्टि से यह स्वर्ण मिल जा रहा है, तो फिर ध के स्थान पर हो जाएगा त। खरी च लग गया तो हो गया क्या, त बन गया संत सह, ऐसा बना, बना कि नहीं, संत सह, संत सह बन गया। त धुट आगम हुआ, धुट का बचा ध, ध को हो गया त। इतना सिंपल नियम। पर जब धुट आगम विकल्प से होगा, है कि नहीं, धुट आगम कैसे होगा, विकल्प से ही तो होगा। तो जब धुट नहीं होगा तो सन और सह वैसे रहेगा, वैसे ही रहेगा ना, कि कुछ बदल जाएगा, कुछ भी बदलाव नहीं आएगा सन और सह में। जब कुछ भी बदलाव नहीं आएगा तो वैसे को वैसे देख लीजिए, लिख दिया सन सह, ठीक। इतने में कोई दिक्कत? तो जो काम डह सी धुट ने किया वही काम ये भी कह रहा है, कौन सा, नश्च, ठीक, नश्च, समझ गए। अब नश्च के बाद हम आ जाते हैं अगले सूत्र में, केवल इतने कि कुछ और उदाहरण देख लेते हैं, हाँ कुछ और उदाहरण देख लेते हैं नश्च को। काशिका जी में कौन कौन सा उदाहरण दिया है, काशिका में केवल महान साये, भवान साये, ठीक है, भवान साये, भवान्त साये, कहीं भी कोई भी शब्द हो अंतिम वर्ण ना आता हो, भवान हो, महान हो, भगवान है, हो, है ना। तो भगवान स्वयं, भगवान स्वयं है ना, अथवा भगवान स्वयं है ना, आविर्भूतो भगवान स्वयं। अब देख लीजिए कुछ ऐसे ऐसे कल्पना करते हैं, यहां है क्या है भगवान और इधर है स्वयं, भगवान स्वयं, नश्च लगेगा कि नहीं, न है उसके तुरंत बाद स है, नश्च लगेगा तो स क्यों हो जाएगा धुट आगम, धुट का बचेगा ध और ध के स्थान पे हो जाएगा खरीच से त, तो बनेगा का भगवान स्वयं, भगवान स्वयं विकल्प से त वाला भी बनेगा कि नहीं। कहीं भी शब्द का अंतिम वर्ण न दिखाई पड़ता हो, क्या दिखाई, न दिखाई पड़ना मतलब अंधा हो जाना वो वाला नहीं, नकार दिखाई पड़ता हो, न का मतलब नहीं, मतलब लीजिएगा कि शब्द का अंतिम वर्ण न दिखाई पड़ता हो, यानी ये नहीं, शब्द का अंतिम वर्ण कहीं भी अगर न हो, भवान हो, भगवान हो, महान हो, कुछ भी हो, उसके बाद आने वाले शब्द का पहला वर्ण स हो, छोटा वाला, ठीक, तो बीच में आप त जोड़ा हुआ रूप भी बना सकते हैं विकल्प से। धुट आगम होगा, धुट का ध बचेगा, ध को हो जाएगा त। इतना स्पष्ट है ना, सरल है। कुछ और उदाहरण, भवान साये, महान साये इत्यादि उदाहरण दिया है काशिका में ही और सिद्धांत कौमुदी में, इसमें तो केवल इतने दिया है। महान सह, अरे भाई वो तो महान है, सन सह जैसे कहा वैसे कहते महान सह, भगवान सह है ना, यहां सब जगह पर भगवान सह त वाला भी रूप मिलेगा है ना, महांत सह, महांत सह हो सकता है, महान सह भाई कोई इसमें क्या होता है, महान सह वो महान है ऐसा कहा गया होगा, है कि नहीं, तो महान सह कहते हुए हो सकता है नश्च सूत्र जानने वाला कोई रहा हो महान सह, तो वह तुक आगम कर दिया हो महांत सह, महांत सह, वही महांत सह अपभ्रंश होते हुए महानता बन गया हो, महंत जी आज बनते हैं ना आजकल भाई वो तो महान है ऐसे कह दीजिए, पर महंत शब्द जो है या महांत शब्द है जो वह संस्कृत, शुद्ध संस्कृत शब्द नहीं, ठीक, हिंदी में अपभ्रंश होकर बना हो, ठीक। तो महांत सह
महान सह अभी अभी विचार में आया, ये महान सह महांत सह, तो धुट आगम होगा, धुट का तो बचेगा। ठीक है, इतनी बातें स्पष्ट रहेंगी, इतने सारे उदाहरणों से मुझे लगता है बात पच गई होगी। और आगे चलते हैं, शितुक पर आ जाते हैं। ठीक, कौन से उदाहरण पर आ जाते हैं? शितुक। अब इसका भी नंबर जरा ध्यान से देख लीजिए, इसका भी नंबर देखिए, उसी बाद में है ना, ये देख लीजिए 29, 30, 31 है कि नहीं। तो यहां डह सी धुट था, नश्च आया तो सी धुट का अनुवृत्ति आ गई, नश्च सी धुट है कि नहीं। न के बाद सा आता हो तो धुट आगम हो जाएगा, पर अब सी धुट था उसकी जगह आ गया शीतुक, तो अब सी और धुट की अनुवृत्ति खत्म हो जाएगी, क्योंकि सी कह दिया गया तो इस सी की बात खत्म है कि नहीं। अगर यहां ध्यान दीजिएगा, यहां डहसी धुट से जो प्रसंग चल रहा है, डहसी धुट से जो प्रसंग चल रहा है, उस प्रसंग में जब नश्च कह दिया, नह कह दिया, तो डह की बात खत्म, क्योंकि डह शब्द का अंतिम वर्ण ड मांगता था, नह शब्द का अंतिम वर्ण न मांग रहा है, कह रहा है कि न हो शब्द का अंतिम वर्ण, तो डह की बात खत्म हो गई थी। फिर शी और धुट की तो बात चल ही आ रही थी यहां पर भी, नश्च में भी। फिर आया शीतुक, शीतुक आया, जब शी आ गया किसी सूत्र में तो इस सी की बात खत्म, क्योंकि बाद में स होना चाहिए यह कह रहा है, ये कह रहा है ये श होना चाहिए, तालव्य श होना चाहिए। ठीक, तो इस सी की बात खत्म। और आ गया तुक, अब आगम कौन सा होगा? तुक आगम होगा, तो यानी धुट की भी बात खत्म। ठीक, धुट की भी बात खत्म, पर नश्च की तो बात है ये है, क्योंकि यहां नह कहा गया, यहां ऐसा कुछ दूसरा नहीं कहा गया है ना, तो नह की तो बात है, तो नश्च शीतुक। तो यहां जो पदांत न की आवश्यकता थी, शब्द का अंतिम वर्ण न हो, क्या हो? नकार। शब्द का अंतिम वर्ण, तवर्ग का अंतिम वर्ण नकार हो, तो उस नकार के बाद स होने पर धुट आगम हो रहा था, अब उसी नकार के बाद यदि श हो तो तुक आगम होगा, धुट आगम ना हो करके तुक आगम होगा। ठीक है, इतनी बात स्पष्ट है। तो नश्च सितुक। अब देखिएगा, पदांत जो न है, पदांतस्य नस्य, पदांतस्य नस्य, यहां क्या ले लेंगे? न को आगम होगा, तुक आगम जो होगा वह किसको होगा? न को, न को यहां षष्ठी के रूप में परिवर्तित कर लिया गया है। ठीक, षष्ठी के रूप में विपरिणाम कर लिया गया, तो पदांत जो न है उस न को हो जाएगा आगम तुक। कब पदांत न को तुक आगम होगा? कब? यदि उसके तुरंत बाद में हो शु, क्या होगा? उसके तुरंत बाद हो श। ठीक, पदांत न के तुरंत बाद क्या हो? श, तो न को हो जाता है तुक आगम। अब देख लीजिए, यह भी आगम कैसे होगा? विकल्प से ही होगा। क्यों विकल्प से होगा? क्योंकि ऊपर 26 नंबर सूत्र से वा का प्रसंग चले आ रहा है, उसको तो अभी तक किसी ने नहीं रोका है, देख लीजिए, है ना, हे मपरे वा, वहां से वा का तो प्रसंग चला ही आ रहा है, उसको तो किसी ने अभी तक रोका नहीं है। ठीक, वा की बात जहां शुरू हो जाती है उसके बाद जब नित्यम आता है तब वा की बात खत्म होती है ना, आगे कहीं नित्यम आएगा, गमो ह्रस्वादिति गमुण नित्यम, नित्यम आ गया मतलब अब वा वाली बात खत्म, ये नित्य होगा, विकल्प से नहीं होगा। ठीक, तो जब तक नित्यम नहीं आएगा तब तक वा की बात चलेगी, है ना, तो इसमें भी वा था, इसमें भी वा था, तो नश्च सी तुक वा, तो न पद का अंतिम वर्ण हो, उस न के स्थान पर उसके पर में श होने पर तुक आगम विकल्प से होता है, तुक वा, तुग वा बन गया है, तुक वा क्या बन गया? तुग वा। ऐसा मत सोचिएगा कि तुग आगम होगा, तुग नहीं, सूत्रवा में तुक लिखा है, उसको ध्यान दीजिएगा, आगम कौन होगा? तुक, तुग नहीं।
ठीक। वृत्ति में जो तुग लिखा हुआ ग दिखाई पड़ रहा वो झलाम जसवंत नियम के आधार पर हो गया है, ठीक। तो तुगवा हो गया ई का, किसी देश का नक्शा बन रहा था इधर। तो अब हो गया इतना, देखिए उदाहरण पर, उदाहरण पर आते हैं, यहां थोड़ा सा मजा आएगा। इस उदाहरण को लेने के लिए हम आ जाते हैं यहां, ठीक है, और यहां पर देखते हैं, मान लीजिए क्या है, मान लीजिए है सन, और उसके बाद है शंभु। सन शंभु न लेकर के हम उसी तरह का एक और उदाहरण लेते हैं, लेते हैं, ले लें, देख लीजिए खाली, क्योंकि संधि जब हम देखते हैं ना, तो संधि में हमको सभी वर्णों से मतलब लेके नहीं देखना है, संधि में हमें देखना है प्लस के पहले क्या है, प्लस के बाद में क्या है, वही दो वर्णों से मतलब रखना होता है कि नहीं। तो जैसे हम दो दो उदाहरण एक साथ लिखते हैं, इधर है सन और इधर है शंभु, ठीक। इसी तरह का इसे थोड़ा सा सरल उदाहरण, जो ज्यादा लोगों को सरलता से हिंदियों समझ में आ जाए, ऐसा उदाहरण हम खुद से बता देते हैं। भगवान शंभु कर दें या शिवा कर देते हैं, भगवान शिवा है ना। यहां भी पद का अंतिम वर्ण ना है, यहां भी पद का अंतिम वर्ण ना है, उसके तुरंत बाद यहां भी श है, उसके तुरंत बाद यहां भी श है ना, स्पष्ट है। तो नश्च सूत्र से नह की अनुवृत्ति आ रही है, शीतुक कहेगा कि न के बाद अगर श हो तो न के तुक आगम हो जाता है। आद्यंतो टकितो इस नियम के आधार पर न को जो तुक आगम हो रहा है वह तुक आगम न के बाद में लगेगा, क्योंकि कित है, अंत में जुड़ेगा। तो तुक आगम न को हो रहा है यानी न के तुरंत बाद में तुक जुड़ जाएगा। देख लीजिए सन तुक और फिर उसके बाद शंभु, ठीक है। यहां भी हम क्या कर देंगे, भगवान और उसके बाद जोड़ देंगे तुक, भगवान को ही तुक आगम हो जाएगा और उसके बाद जुड़ेगा शिवा, ठीक। यहां तक पहुंचे, पर यह जो तुक आगम होता है विकल्प से होता है कि नहीं। यहां चार चार रूप बनेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो एक तो ऐसे का ऐसे ना को स्तोष चुनाश्चु लगाकर यहां कर सकते थे कि नहीं, ना को स्तोष चुनाश्चु लगा करके यहां कर सकते थे, ठीक, लगेगा कि नहीं। तो एक रूप खाली खाल में ऐसे अगले पेज में लिख के दिखा देता हूं खाली, देखिए सई शंभु बन जाएगा कि नहीं, न के स्थान पर यहां हो जाएगा स्तोष चुनाश्चु के आधार, होगा कि नहीं। एक तो आसानी से बना लिया आपने, पर जब सई शंभु बना लिया तब नश्च नहीं लग पाएगा, क्यों, क्योंकि स्तोष चुनाश्चु का नंबर आपने देखा होगा और इसका भी नंबर देख लीजिए, स्तोष चुनाश्चु का नंबर क्या है, 8, 4, 40, और इसका क्या कहते हैं, इसका क्या नंबर है, 8, 8, 3, 31। तो स्तोष चुनाश्चु जो सूत्र कार्य करेगा वह कार्य नश्य को पता ही नहीं चलेगा, नश्य को तो पता ही नहीं चलेगा, नश्य को तो लगेगा कि यहां ना है, नश्य को तो क्या लगेगा, यहां पर ना है, अभी वो बात आगे समझेंगे, ठीक। पहले इतना तो बन गया, यहां यहां भी ना को यहां कर दीजिए तो दूसरा वाला ऐसा रूप यहां बन जाएगा, कौन सा, भगवान शिवा बन जाएगा कि नहीं, ना के पहले ही ये की मात्रा चढ़ जाएगी,
यहाँ और शाह का संयोग हो गया, भगवान शिवा, ऐसा बनेगा कि नहीं? सभी से बन गया। तो अब पहले यहां पर आते हैं मूल पर, बात पर। यहां तुक आगम हुआ, तुक में से भी उ और का की हलंत्यम से, उ की उपदेशे जनुनासिक इत से इत संज्ञा हो जाएगी। तस्य लोपा से जब लोप होगा इसका, तो बचेगा क्या, क्या बचेगा? यहां तक पहुंचे भगवान शिवा, पहुंचे हैं ना सभी लोग? अब आप बताइए, इस सूत्र ने जो कार्य किया है, कौन सा सूत्र है? शितुक। शितुक 8.3.31 पर है ना। इस सूत्र ने 8.3.31 ने जो कार्य किया है, वह 8.4.40 को तो पता चलेगा ही ना। स्तोष्चुनाश्चु को तो पता चलेगा ही कि यहां तुक हो गया है, तो स्तोष्चुनाश्चु को यहां तुक का ता दिखाई पड़ जाएगा। ता के का स के साथ योग है, ता का स के साथ योग है। अच्छा, जरा सा छोटी का नंबर देखिए, कौन सा नंबर है? 8.4.55 ना, हाँ 63.55 तो खरीच है ना। आठ अध्याय में हम कभी कभी नंबर भूल जाते हैं। तो अब देखिए, यहां पर स्तोष्चुनाश्चु लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? देखिए, ये रहा सकार तवर्ग और ये रहा शकार चवर्ग में से योग है, तो इस त के स्थान पर इस स के कारण इस त के स्थान पर चवर्ग का च हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? तो ये रहे भगवान और ये रहा च, तुक का च, ठीक, और ये रहा शिव, भगवान च शिव, ऐसा बना कि नहीं? स्तोष्चुनाश्चु लगा लेंगे। यहां भी जो त बचा, ध्यान से, ता को च कर लेंगे स्तोष्चुनाश्चु से, क्योंकि यहां भी श का संयोग है, शकार और तवर्ग का, शकार और चवर्ग के साथ संयोग होने पर आप नियम पढ़ चुके हैं विस्तार से, तो संयोग होने के कारण यहाँ अच्छा कर लिया आपने, तो शंभु। जिन लोगों को न समझ में आ रहा, यूट्यूब पर देखने वाले लोगों को, वो हल संधि का पहला भाग बढ़िया से समझ ले। हल संधि प्रकरण का पहला भाग यानी लघु सिद्धांत कौमुदी का यह जो सीरीज चल रहा है, इस सीरीज का 30वां भाग देख लेंगे तो समझ में आ जाए, क्योंकि उसमें स्तोष्चुनाश्चु की चर्चा की गई है विस्तार से। तो अब संच शंभु भगवान च शिव ऐसा बन गया, बना, बन गल के नहीं खे बनल, बन गया ना। तो अब ऐसा वाला भी रूप मैं अलग एक जगह लिख दूं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं ना, ऐसा बन जाएगा। अच्छा, अभी नहीं, अभी अवरो स्तोष्चुनाश्चु एक बार उलो लगेगा। देखिए, ये रहा सकार तवर्ग, ये रहा शकार चवर्ग, है ना। ये रहा देखिए शकार चवर्ग और ये रहा सकार तवर्ग, तो स्तोष्चुनाश्चु फिर से लग गया, लग गया कि नहीं? तो भाई पूर्वत्र असिद्धम कहा गया ना, पूर्व के सूत्रों के लिए असिद्ध, खुद के लिए थोड़े ना असिद्ध है। खुद स्तोष्चुनाश्चु ने च किया है तो उसको तो पता चलेगा ही कि यहां च है। तो ये च के कारण ये भी न यहां बन जाएगा, यहां बन जाएगा। देख लीजिए, न के स्थान पर क्या हो गया? साई च शंभु बना, साई च शंभु बना, और इधर क्या बन गया? भग वाई न को यहां हो गया स्तोष्चुनाश्चु से, उसी वर्ग का तवर्ग के स्थान पर चवर्ग हो जाता, तो ता के स्थान पर च, था के स्थान पर छ, न अंतिम वर्ण उसके स्थान पर यो भगवान च शिव, ठीक है, स्पष्ट है, भगवान च शिव। दो दो उदाहरण एक साथ लेके चल रहे हैं कि हो सकता है एक बार में कहूं थोड़ा सा इधर उधर दिमाग किसी का दिल्ली मुंबई घूमने चला गया हो तो दूसरे बरियम पकड़ ले, ठीक है। तो अब हुआ, यहां तक पहुंच गए, इसको जोड़ करके हम लिख दें यदि, तो बन चुका है एक रूप और,
एक तो जो बना था वो यहां आप देख चुके हैं, है ना। एक जो बन रहा है वो यहां आपको दिखाई पड़ रहा है, क्या देख लीजिए। ऐसे हमने लिखा स, ऐसे यहां इसी में जुड़ा च आधा, और फिर उसके बाद शंभु होगा कि नहीं, शैच शंभु दिखा। फिर इसके बाद यहां देखिए, ये हुआ भगवान, या इसी में जुड़ा च और इसी में जुड़ गया च, इसी में जुड़ गया शिवा। अब मात्रा थोड़ा इधर से चढ़ जाएगा, ठीक, भगवान शिवा बन जाएगा, भगवान शिवा बना, सभी के नजर में बन रहा है ना, बना था कि नहीं, बन रहा है ना। तो अब इतना तक पहुंच गए सभी लोग, विकल्प से एक रूप ऐसा बना, और विकल्प से जब शितुक से तुक आगम नहीं हुआ तो ऐसा बना, ठीक है, स्पष्ट है। अब देखिए यहां पर आते हैं, फिर से हम एक बार कितबिया में दिखा देते हैं आपको, कितबिया से बहुत ज्यादा दूर तक, देर तक दूर नहीं रखेंगे आप सबको, नहीं तो सोचेंगे कि कहां चले गए, ठीक। एक तो देखिए आपने ये वाला बना लिया, कौन सा, ये वाला बन गया, ये वाला बन गया ना, एक मिनट लेखनी जी आओ तो, हाँ बन गया ना, सही शंभु, क्या हुआ, तुक आगम हुआ, तुक आगम का ता को च हो गया स्तोष चुनाशु से, च के कारण ना के स्थान पर भी यहां हो गया स्तोष चुनाशु से, दो दो बार स्तोष चुनाशु लगा लेंगे, ऐसा बन गया। और जब तुक आगम नहीं हुआ तो ऐसा वाला भी आप स्तोष चुनाशु से ना को यहां करके ये बना लिए, ठीक। अब बचा है ये दो बनाना है आपको, ठीक, ये दोनों आपको, एक सही शंभु और एक सही शंभु बनाना है, ठीक है, सही शंभु और एक सही शंभु बनाना है। कैसे बनेगा देखते हैं। आप नियम पढ़ चुके हैं पहले से, नियम पहले से पढ़ चुके हैं, उसी उन्हीं नियमों को लगाना है। यहां देखिए ए प्रभु चेंज, तनी है ना, इधर इधर इसको एजे खस कर देते हैं, एजे खस नहीं, एजे खस, हाँ। तो अब देखिए यहां आपको दिख रहा होगा तीसरी स्थिति, एक पेज बढ़ाते हैं, जब था सन और शंभु, या था भगवान और शिवा, तब क्या सच छोटी नियम लग रहा था, लग रहा था। आप कहेंगे नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि सच छोटी नियम का शर्त यह था, हम थोड़ा कलरवा बदल लेते हैं, एक का करिया एक का लाल कर देते हैं, जिससे थोड़ा सा दोनों अंतर समझ में आए, है ना। तो जब देखिए सचोटी क्या कह रहा था कि पहले होना चाहिए झय, उसके बाद होना चाहिए श, उसके बाद होना चाहिए अट, या फिर निष्कर्षता कह दे अम, छत्वमिति वाचम का, ठीक। तो यहां श है उसके बाद अम है, यहां भी श उसके बाद अम आ है ना, दोनों जगहों पर श से पहले झय नहीं है, न झय में नहीं आता, यमगणनम सूत्र में ही न आ जाता है, उसके बाद झय है ना, तो इसलिए सचोटी नहीं लग पा रहा था, सचोटी नहीं लग पा रहा था। इस सूत्र को थोड़ा सा गहराई से लीजिएगा, क्योंकि सूत्र में अच्छे अच्छे लोग कंफ्यूज रहते हैं, बहुत खाली ध्यान नहीं, अनवधान, कंफ्यूज नहीं अनवधान हो जाता है, लोग हल्के में ले लेते हैं, बहुत आसान है ना इसलिए बहुत हल्के में ले लेते हैं, तो हल्के में मत लीजिएगा, बनता है ऐसा शब्द। जब तुक आगम हुआ, तुक आगम का बचा च या त, तो यह त जुड़ गया कि नहीं,
या यहां पर त जुड़ गया कि नहीं, है कि नहीं? त को हमने कर दिया च, तो चुनाश्चु से च जुड़ गया कि नहीं। यहां भी देख लीजिए तुक आगम का जो ता था उसका च बन गया, यहां भी ये बना चुके हैं स्तोष चुनाश्चु लगा के। और इसी च के कारण इस न को स्तोष चुनाश्चु से यहां भी कर लिया था ना हमने, किया था तो भगवान च शिव ऐसा बनाया था। यहां भी अरे ये तो गड़बड़ कर दिए, न को हमने यहां किया था, यहां भी शंभु। अब देखिए यहां कर दिया था न को, यहां कर दिया था तो यहां भी जय में नहीं था, है ना? स्तोष चुनाश्चु मान लीजिए वैसे वाला, ये वाला जब हमने बनाया था, ये वाला देख लीजिए, ये वाला तो यहां भी जय नहीं है, यहां भी जय नहीं है, इसलिए ऐसा छोटी नहीं लगा था। पर जब ऐसा हो जाएगा तो यहां के बाद जो च आ रहा वो जय है, यहां के बाद जो च आ रहा है वो जय है। जय में हर एक वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण आता है, तो जय में च आता है ना, झ फ छ ठ थ च ट त क प च आ गया। तो ये रहा जय, और ये रहा उसके बाद श, उसके बाद अट, ये रहा जय च, उसके बाद श, उसके बाद अट ई, तो जय धन श धन अट मिल रहा है, तो सच्छोटी नियम लगेगा। पर आपको ध्यान होना चाहिए कि सच्छोटी नियम भी विकल्प से लगता था, तो जब सच्छोटी नियम नहीं लगेगा तो ये वाला जो आप बना चुके हैं ये वाला ये बनेगा, सैच शंभु ये बनेगा जब सच्छोटी नहीं लगेगा, भगवान च शिवा ये बनेगा जब सच्छोटी नियम नहीं लगेगा, ठीक है? पर जब सच्छोटी लग जाएगा विकल्प से तो ये स को छ भी हो जाएगा कि नहीं? तो अब देख लीजिए हम स को छ करके देख लेते हैं, क्या हो गया? ये स है, ये सन का ना का यहां होकर बचा हुआ है, ये तुक का ता को च होकर तो चुनाशु बचा हुआ है, श को कर दिया हमने छ, ठीक? तो ऐसा जोड़ के हम लिख दें स या च छंभु, तो कोई आपत्ति तो नहीं कि हू को, कोई आपत्ति नहीं ना? और उसी तरह हम यहां भी देख लीजिए भ ग वा या ऐसा है, च के कारण स को हमने कर दिया, च के कारण स को छ कर दिया, तो भगवान शिवा बनेगा, किसी को कोई आपत्ति नहीं ना? तो ये तीसरा तरह का रूप बन गया, तीसरे तरह का रूप बना कि नहीं बना? सबकी नजर में बना है ना, कोई दिक्कत? अब क्या होगा, एक नियम आपने पढ़ा होगा जो नियम इन सभी के बाद में है, बाद का ही नियम लगेगा, सच्छोटी के बाद का ही कोई नियम लगना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि सच्छोटी ने जो छह किया है वह छह हुआ है, ये सबको थोड़े ना पता चलेगा, क्योंकि सच्छोटी सूत्र तो 8463 पे है कि नहीं? 8463 पे ही तो है सच्छोटी, और 8468 पे ही अष्टाध्यायी खत्म हो जा रही है कि नहीं? 8468 पे ही अष्टाध्यायी खत्म हो जा रही है, आठवें अध्याय का चौथे पाद का 68वां सूत्र है अ अ, वहीं पर खत्म हो जा रही है। तो इस 63 नंबर सूत्र सच्छोटी ने जो छ किया है वह छ हुआ है, ऐसा केवल 64 नंबर 65 नंबर 66 67 68 यही पांच ही सूत्र जान पाएंगे, केवल यही पांच सूत्र ऐसे हैं जिनको पता चलेगा कि यहां छ हुआ है। वो पांचों सूत्र कौन से हैं? उनमें से आप देख लीजिए 65 नंबर सूत्र, झरो झरी सवर्णे, झरो झरी सवर्णे, वह कहता है पहले होना चाहिए झर, ठीक, उसके तुरंत बाद होना चाहिए सवर्ण झर, क्या
पहले हो झर, उसके बाद हो सवर्ण झर, तो पहले वाले झर का हो जाता है लोप। ठीक, 62 नंबर सूत्र हो, 64 नंबर सूत्र कौन सा है? हलो यमाम यमी लोपा, लोपा है ना। तो 63 नंबर ने छत तो किया, उसके बाद 64 नंबर सूत्र में लोपा है, लोपा से झरो झरी सवर्णे में लोपा की अनुवृत्ति आ जाएगी, झरो झरी सवर्णे लोपा, झर के बाद सवर्ण झर हो तो झर का लोप हो जाता है कि नहीं? कौन से वाले लोप का होगा? तो झरी सवर्णे, देखिए सूत्र में क्या कहा है, झरी सवर्णे, सप्तमी लगी है कि नहीं? झरी सवर्णे में सप्तमी लगी है। तो जो भी लोप होगा वह सवर्ण झर से पूर्व वाले के स्थान पर होगा। सवर्ण झर से पूर्व में आने वाला जो झर है उसके स्थान पर लोप हो जाएगा, यानी उसी का लोप हो जाएगा, है कि नहीं? स्पष्ट है। तो अब यहां इस स्थिति में देखिए, थोड़ा सा इस स्थिति को मैं और स्पष्ट करके लिखता हूं। देखिए भगवान शिवा और शंभू बन गया है, इस स्थिति में थोड़ा सा जब अलग था तो देखिए ये स ऐसा है, ये यहां ऐसा ही है, ये तो झर नहीं है ना, यहां तो झर नहीं है, है कि नहीं? तो यहां झर नहीं है, सही, च झर है, च झर है कि नहीं? च झर में आता है, झब गढ़ था झब गढ़ था कप छठा था चट तक पश स, इसमें च आ गया। तो ये रहा झर, दिखा इस कलर से कर देते, ये रहा झर, और उसके तुरंत बाद ये रहा सवर्ण झर, छ हुआ है, ये तो झरो झरी सवर्ण सूत्र को तो पता है ना, स्पष्ट चुना उसे छोटी से जो हुआ है। यहां भी देखिए ये रहा झर, उसी के तुरंत बाद ये रहा सवर्ण झर, तो झरो झरी सवर्ण से पहले वाले झर का विकल्प से लोप हो जाएगा, है कि नहीं? विकल्प से लोप होगा, यहां ऊपर वाक्य अनुवृत्ति आ रही है। गमो ह्रस्वादचि गमन कहा है फिर, कौन सा सूत्र में कहा है गमो ह्रस्वादचि गमन नित्यम, इसके बाद है क्या उसके झरो झरी सवर्णे के बाद कौन सा सूत्र है? उदात्ता उदात्ता दंडात्ता से स्वरिता, फिर उसके बाद उदात्ता, हाँ कहीं यह नित्यम शब्द दिखाई पड़ रहा है, कहीं इसके बाद नित्यम कहीं दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? कोई बात नहीं, वाक्य अनुवृत्ति खत्म हो जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे उसको, फिर बाद में समझेंगे, ठीक। पर अभी सामान्यता इतना समझेंगे कि झरो झरी सवर्णे जो लोप करता है, झरा उत्तरस्य झरो वा लोप सवर्णे, नहीं क्या है, झर झर का लोप होता है सवर्ण झर में परे होने पर, हल परस्य झरो वा लोप सवर्णे झरी, है सही ना? तो हल के पर में झर है, उसके बाद सवर्ण झर है, तो इस झर का लोप हो जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, इस झर का जब लोप होगा च का, तो बचेगा छ, ठीक। ए काय खसक रहे हो, ए कहीं कोई मक्षिका बैठ रही है, हाँ सही शंभू, ठीक है बना। और यहां भी देख लीजिए, ये रहा भगवान, ए इसको थोड़ा सा क्या हुआ, भग वाई, ये है च, ये रहा झर, ये सवर्ण झर, तो पहले वाले झर का लोप हो गया, तो बन गया भगवान शिवा, चार रूप बना, कोई आपत्ति इतने में किसी को नहीं? तो वही चारों रूप यहां जरा ध्यान से देख लीजिए, यहां पर पदांत स को पदांत न होना चाहिए, क्या होना चाहिए? न, पद का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? न, और उस न के बाद क्या आना चाहिए? श, न के बाद क्या आना चाहिए? श, और उस श के पर में क्या होना चाहिए? उस श को श पर में हो तो न को क्या हो जाता है? तुक आगम हो जाता है, न को क्या हो जाता है? तुक आगम, नस्य तुगवा, न को तुक आगम हो जाता है विकल्प से। तो जब तुक आगम होगा, जब तुक आगम होगा
तो तीन रूप बनेंगे। कौन से तीन रूप बनेंगे? वो तीन रूप आप देख लीजिए, तुक आगम हुआ है कि नहीं, तुक का बचा ता, ता को हो गया स्तोष चुनाश्चु से च, च के कारण उस न को हो गया या, तो सैच शंभु ऐसा बना, बना नहीं ऐसा वाला बना पहले, जब न हुआ तब, न को यहां हुआ था, और स छोटी से जब हो गया छ तो ये वाला बना, बना और झरोझरी सवर्णे से जब ये च का लोप हो गया तो ऐसा वाला बना है कि नहीं, और जब तुक आगम हुआ ही नहीं तो ऐसा वाला बना, तुक आगम जब हुआ ही नहीं ऐसा वाला बना, चार रूप बने कि नहीं। सस छोटी भी विकल्प से है तो ये वाला और ये वाला बन जाएगा, जब सस छोटी होगा तो कहेंगे विकल्प से तो द्विदु रूप क्यों बन रहा है, क्योंकि विकल्प से झरोझरी सवर्णे से लोप भी हो रहा है। जब छत तो होगा तो छ भी दिखेगा और च और छ दोनों भी दिखेगा, और विकल्प से लोप होकर पहले वाले झर का लोप होकर केवल छ ही बचेगा, तो ये दोनों छत होने पर ये दो रूप बनेंगे ठीक। और जब छत नहीं होगा क्योंकि विकल्प से होता है तो तुक आगम होने पर ऐसा रूप बनेगा, तुक आगम ना होने पर ऐसा रूप बनेगा ठीक। स्पष्ट है चारों? इस पर दो प्रसंग आया था श्रीमद् भागवत महापुराण में, एक ऐसा प्रयोग है श्रीमद् भागवत महापुराण में, तस्मिन् श्री वसुदेव देवकी सुते, तस्मिन् श्री वसुदेव देवकी सुते एक ऐसा है, और भगवान छुकः, भगवान छुकः मैं लिख देता हूं, यहां देखिए पहले ये लिखता हूं, जैसे क्योंकि हमने भगवान शिव बनाया ही है तो भगवान और शुकः। अब यहां प्रमाद क्या हुआ? प्रमाद मतलब असावधानी, किसी एक कथाकार ने, भागवत के कथाकार ने पूछ लिया कि यहां भगवान शुकः, भगवान शुकः है, यहां तो सस छोटी नियम नहीं लगना चाहिए है कि नहीं, यहां तो सस छोटी नियम नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये झय नहीं है, झय के बाद आने वाले श को छ होता है कि नहीं, पर फिर भी श को छ हुआ है, हुआ है, छुका लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है, और इस छ के कारण ना को यहां भी हो गया है, ऐसा वाला मिल रहा है भगवान ही छुका। तो पहली नजर में एक अच्छे व्याकरण के विद्वान ने देखा और कह दिया, सीधे कह दिया कि ये पाणिनि जी का प्रयोग नहीं है, क्योंकि पाणिनि जी के हिसाब से यहां पर छ नहीं हो सकता, ये हो जाती असावधानी ठीक। पर उसमें जब प्रसंग मेरे पास आया, मैंने सोचा कि भागवत में प्रयोग है, कुछ ऐसा प्रयोग हमने भी सोचा है, सुना है, तो दिमाग लगाया, हमें शीतुक याद आया, और जब हमें शीतुक याद आया तो हमने इस ना को, ना के बाद श है, तुक आगम कर दिया, ता हो गया, ता को जब हमने च कर दिया, और इसको कर दिया यहां तो चुनाचु से, अब तो झय है, झय के उत्तर में श है, श को छ कर लो, जब ऐसे किया तो बन गया भगवान इच्छे छुका, और झरोझरी सवर्णे से विकल्प से च का लोप कर दिया तो भगवान छुका, यही वाला प्रयोग वहां है, भगवान छुका झरोझरी सवर्णे से विकल्प से लोप होने पर ठीक। ऐसे ही तस्मी श्री वसुदेव देव की सुते उसमें भी है, देखिए वहां भी क्या है, तस्मिन ठीक, और यहां है श्री, तस्मिन श्री वसुदेव देव की, यहां भी देखिए ना है, ना के बाद श है, श के बाद रा है, श के बाद रा है, वह अट में है वरट है कि नहीं, अट में है, तो श के बाद तो अट है पर श के पहले झय नहीं, तो यहां भी नहीं हो रहा था, सामान्य एक दृष्टि में पहले सीधे देख करके कहा भाई झय के बाद नहीं है इसलिए नहीं होगा,
पर पाणिनि जी ने सबका उपाय बताया है। शीतुक कहेगा कि यहाँ तुक आगम करो, तुक का बचाव ता, ता के स्थान पे स्तोष चुनाशु से करो च, और इसी च के कारण इस ना को स्तोष चुनाशु से कर दो यहाँ तस्मी चश्री। अब तो ये रहा झय, उसके बाद ये रहा श, और श के बाद है अट र, है कि नहीं। तो सस छोटी से स हो, छ हो गया, तो ये जो श्री था ये बन गया क्या, श्री श्री तस्मी चश्री। च को स्तोष इससे झरो झरी सवर्ण से विकल्प से लोप कर दीजिए, तस्मी छ्री तस्मी छ्री वसुदेव देव किसते, ठीक है। तो ये इतने पक्ष ध्यान रखिएगा, कहीं भी किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण होना चाहिए न, उसके बाद आने वाले शब्द का पहला वर्ण होना चाहिए श, तो उस न और श के बीच में आप विकल्प से तुक जोड़ सकते हैं, और जब तुक जुड़ जाएगा श के पहले तो श और त का संयोग होगा, तो त को च भी बनेगा ही, हर हाल में बनेगा। और जब च बनेगा तो न जो है उससे पहले, क्योंकि न रहेगा तभी तो तुक आगम आएगा, तो जो न है वह न को यहां भी होगा, वो पक्का है स्तोष चुनाचे से, तो न बन जाएगा यहां होगा, जो तुक आगम वो बन जाएगा च, और उसी के कारण वो च वाला भी रूप बनेगा भगवान च शिवः इत्यादि, और च के कारण छ हो जाएगा तो भगवान शिवः वाला भी बनेगा, च का लोप भी हो जाएगा तो यहां वाला भी बनेगा खाली खाल, और जब तुक आगम नहीं होगा तो खाली खाल सीधे सीधे न को यहां करके भी आप रूप बना सकते हैं। चार रूप बनेंगे ना, ये चारों सभी के मन से बन रहे हैं, बन रहे हैं ना सभी के मन में। तो आज के पाठ को हम यही शीतुक तक रोकेंगे, नमो ह्रस्वादचि गमुण नित्यम से आगे का जो सूत्र है उसको कल देखेंगे, ठीक है। सभी लोग इस पूरे पाठ में जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।